नमस्कार। आशा है आपके घर पर सब कुशल मंगल है। समय पर राशन मिल रहा होगा, दवाइयां भी मिल रही होंगी और बाकी जरूरत का सामान भी देर सवेर आपके घर में आ जाता होगा। अरे, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया। मैं जी नहीं, मैं किसी सरकारी संस्था से नहीं हूं, ना ही मैं कोरोना योद्धाओं यानी कि डॉक्टरों या पुलिस वालों का कोई प्रतिनिधि हूं। मैं तो बस एक दुकानदार हूं, वही किराने की दुकान वाला जिसकी कोशिश है कि आपकी जरूरत का सामान आपको मिलता रहे, वही ठेले वाला जो आपको मनपसंद सब्जी खिलाते खिलाते खुद भी कभी कभार दो चार पुलिस के डंडे खा लेता है। मैं वही पान वाला हूं जिसके यहां आप ट्रंप की विदेश नीति से पड़ोस की प्रीति तक सब पर चर्चा करते थे, जो कि आजकल बंद पड़ी है। वैसे लॉकडाउन के पहले भी मैं यही दुकानदार था जिसको आप लालची, कंजूस और कभी कभी तो ठग की भी उपाधि दे दिया करते थे। वही दुकान जिस पर आकर आप हमेशा कहते थे, भैया थोड़ा सही लगाना, पैसे घर ला कर ले जाना, धनिया तो फ्री में मिलता है, अरे इतना सा तो एक्स्ट्रा चलता है। मैं आपसे कोई डोनेशन मांगने नहीं आया हूं और ना ही मुझे कोई कोरोना योद्धा का कोई सर्टिफिकेट चाहिए। मैं तो बस इतना सा कहना चाहता हूं कि जब दुकान पर सामान लेने आए तो मुझे कोई चोर, डाकू या ठग ना समझे, बल्कि अपने जैसा एक आम आदमी समझे, जो अपने परिवार के लिए बिल्कुल बिल्कुल आप ही की तरह दो पैसे कमाना चाहता है। धन्यवाद, आपका एक दुकानदार।